फ्रेंड्स, जय माता दी, जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबारे की जय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माता वैष्णो देवी की। सबसे प्यारी माता हमारी वैष्णो माता है। दोस्तों, वैष्णो देवी उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पूजनीय और पवित्र स्थलों में एक है। ये मंदिर पहाड़ पर स्थित होने के कारण, अपनी भव्यता और सुंदरता के कारण भी विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, वैष्णो देवी ऐसे स्थानों में एक है जहां माता का निवास स्थान माना जाता है। मंदिर 5,200 फीट की ऊंचाई पर है और कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर साल लाखों यात्री मंदिर के दर्शन करते हैं और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी के संबंध में कई कथाएं प्रचलित है। मुख्य कथाएं हैं दो तरीके की, जो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, और रहस्य है इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर में, इस तीर्थ स्थल के बारे में। दोस्तों, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध रहस्य है जो शायद हर आदमी नहीं जानता है। जम्मू कश्मीर राज्य की त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है माता का मंदिर दोस्तों, और मंदिर एक पहाड़ी में गुफा के अंदर है। हर साल लाखों भक्त यहाँ यात्रा करते हैं दोस्तों, और जितना महत्व वैष्णो देवी माता का है, उतना ही महत्व यहाँ पे जो गुफा है जिससे यात्रा करते हैं दोस्तों, उसका भी है। देवी माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही प्राचीन गुफा का प्रयोग किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यह गुफा बहुत ही चमत्कारी है और रहस्यों से गठी हुई है। दोस्तों, आप अगर वैष्णो माता के दर्शनों के लिए जा रहे हैं या कर चुके हैं, और अगर इन अनूठे रहस्यों के बारे में नहीं जानते हैं, तो चलिए आज मैं आपको बता दूं क्या रहस्य माता का है। आपको सबसे पहले ये बताऊंगी दोस्तों कि माता रानी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। माता वैष्णो देवी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई थी, इसलिए माता का एक नाम देवी त्रिकुटा भी है। माता का निवास स्थान यानी कि माँ की गुफा जम्मू की त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित है, इसलिए माता के भवन को हम क्या कहते हैं, त्रिकुटा भवन भी कहते हैं। माता की पुरानी गुफा का रास्ता प्रायः बंद ही रखा जाता है दोस्तों, और माता के दर्शनों के लिए नई गुफा से होकर ही जाना पड़ता है। प्राचीन गुफा में लेट कर ही जाना पड़ता है, और गुफा में हर वक्त गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। भक्तजन पहले इसी शुद्ध गुफा से होकर माता के दर्शन करते थे, और ऐसी भी कथा आती है कि माता ने भैरवनाथ को जब मारा था तो उसका शरीर गुफा के द्वार पर रह गया था, जबकि सिर भैरव घाटी चला गया था। यही शरीर पत्थर रूप में आज भी गुफा के द्वार पर पड़ा हुआ है, जिस पर लेट कर ही प्राचीन गुफा में प्रवेश करते हैं हम। माता के दरबार में जाने के लिए गर्भ जून का भी बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, और इसी गुफा में ऐसा माना जाता है माता ने पूरे 9 महीने उसी प्रकार रही थी इस गुफा में, जैसे गर्भ में शिशु रहता है। इससे निकलकर गर्भ जाल से कटने और मुक्ति प्राप्त करने की कथा है। कथा मैं आपको सुनाऊंगी दोस्तों। भैरव घाटी के पहले बता दूं, अंत में दर्शन करने पड़ते हैं। माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके दर्शन के बिना ये अधूरा कहलाता है, यात्रा अधूरी कहलाती है। दोस्तों, रहस्य बताऊं आपको एक एक माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए वर्तमान में जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, वो गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता है ही नहीं। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखकर कृत्रिम रास्ते का निर्माण 1977 में किया गया था। वर्तमान में इसी रास्ते को से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन को पहुंचते हैं, और जो किस्मत वाले होते हैं उनको उन भक्तों को प्राचीन गुफा से आज भी माता के भवन में प्रवेश करने का सौभाग्य कभी कभी मिल जाता है। नियम है कि कभी भी 10,000 से कम श्रद्धालु होते हैं तो प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है।
यूजुअली दिसंबर और फरवरी के महीनों में प्राचीन गुफा के द्वार खोले जाते हैं और कभी कभी श्राद्धों में भी। माता वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का काफी महत्व है। मान्यता ऐसी आती है कि प्राचीन गुफा के अंदर भैरव बाबा का शरीर अभी भी मौजूद है। माता ने यहीं पर भैरव को अपने त्रिशूल से मारा था और सिर उठा के उसका भैरव घाटी में चला गया, शरीर वहीं रह गया था। दोस्तों, प्राचीन गुफा का महत्व इसलिए भी है बहुत, क्योंकि इसमें पवित्र गंगा जल हर वक्त प्रवाहित होता रहता है। इस जल से पवित्र होकर माता के दरबार में पहुंचने का अपना ही विशेष महत्व माना गया है। वैष्णो देवी माता के मंदिर तक पहुंचने वाली घाटी में कई पड़ाव भी हैं, जिनमें से एक आदि कुमारी या आद्य कुमारी भी है। यही एक और गुफा भी है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। गर्भजून गुफा, जैसे मैंने बताया, मान्यता है कि माता यहाँ 9 महीने उसी प्रकार रही थी जैसे माता के गर्भ में शिशु 9 महीने तक रहता है। दोस्तों, एक और आखिरी रहस्य बताती हूँ आपको माता की गुफा की, उसके बाद हम कथा सुनेंगे माता की। गर्भजून गुफा को लेकर माना जाता है कि इस गुफा में जाने से मनुष्य को फिर गर्भ में कहीं नहीं जाना पड़ता है। अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता है एवं उसका जन्म सुख एवं वैभव से भरा होता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की अपने माता रानी की और अब हम बताएंगे आपको जो कथा प्रचलित है। 2 मुख्य कथाएं माता के बारे में अधिक प्रचलित है। प्रथम कथा आपको बताती हूँ। मान्यता अनुसार एक बार पहाड़ों वाली माता ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई और पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वो निसंतान होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्र पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच में आ पहुंची। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई पर माँ वैष्णो देवी वहीं बैठी रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे दो, जाओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौट कर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी भी साथ आ गए। जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है, ये कौन सी कन्या है? भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया और सभी गांववासी अचंभित हो गए कि ये कौन है जो इतना भोजन करवा रहे हैं। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी माता वैष्णो ने एक विचित्र पात्र में सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते परोसते जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा, मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पे वो अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और माँ ने वायु रूप में बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त भी हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जल धारा निकाला और उस जल में अपने केश धोए। आज यही पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने से, इसका स्नान करने से श्रद्धालुओं को सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उन्हीं के पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू जिस एक कन्या को समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा तू छोड़ दे। भैरवनाथ साधु की बात नहीं मानी।
तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। अब गुफा वही गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भ जून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वो स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वो नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। तब वीर हनुमान निढाल होने लगे। तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर से जाना जाता है। जिस स्थान पर माता वैष्णो ने हटी भैरवनाथ का वध किया था, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाएं में, माँ सरस्वती मध्य में और माता लक्ष्मी बाएं में पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माता वैष्णव देवी का रूप कहा जाता है। इन तीन भव्य पिंडियों के साथ कुछ श्रद्धालु भक्तों एवं जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व नरेशों द्वारा स्थापित मूर्तियां एवं यंत्र इत्यादि है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ को पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर भैरवनाथ के दर्शन करने को जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की और अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई, वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी वैष्णो देवी माता की पूजा करते आ रहे हैं। दोस्तों, एक और छोटी सी कथा आती है। कई हिंदू पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के रज और तम तीन रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब ये मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने भी इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री राम सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुंचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री राम से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा, उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पतिव्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में कल्कि अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के स्वरूप में वरण करूंगा। उस समय तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुटा पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत कल्याण करती रहो। जब श्री राम ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त की, तब मां ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ भी करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा मां वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी, त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए अमर हो जाएगी।
तो दोस्तों आज हमने जाना माता वैष्णो देवी के रहस्य, उनके जो हमारी सबसे पूजनीय देवी हैं उनकी पौराणिक कथाएं। दोस्तों बहुत ही प्यारी कथा है, बहुत ही सुंदर दर्शन है भगवान से माता रानी के दर्शन अगर आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर से जाइए, नहीं किया तो एक बार ज़रूर हो करके आइए दोस्तों, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे, आपके अंदर की सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, किसी भी तरह के क्वेश्चंस वो वीडियो के नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। सभी परिवारजनों से, सभी बंधु बांधवों से प्लीज़ व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जो भी ट्विटर हो, सब पे शेयर करते रहें ताकि बाकी लोग भी इस रहस्य को जान सकें। सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों ताकि आने वाले वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी का आपने दर्शन किया, मन प्रफुल्ल हो गया होगा, सच में जाने का प्रोग्राम बना लीजिए, माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय, कीप स्माइलिंग, लव यू ऑल एंड जय माता दी। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का मैकबुक प्रो, एक सैमसंग का गैलेक्सी S6 Edge और एक ली इको का ली 2 मोबाइल। उसके लिए आपको तीन सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में तीन चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रिजनारी सुमी और ब्रिजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है, कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge और ली इको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।